शिवसेना के नेता संजय राउत का एक और ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार ट्वीट करके वार वो कर रहे हैं और इस बार एक और ट्वीट उनका जहां पर एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण उन्होंने कोट किया है। दरअसल जिस तरह से कल का घटनाक्रम सामने आया है उस सबको एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण यहां पर बताया है, क्योंकि देर रात तक कुछ भी चीजें साफ नहीं थी, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी कि आखिरकार कल सुबह क्या बदलाव यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। जहां एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर अपनी अंतिम बैठक करने वाली थी और औपचारिक ऐलान करने वाली थी, लेकिन ठीक उससे पहले यहां पर शपथ ग्रहण देवेंद्र फडणवीस का हो जाता है, जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी शपथ लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार उनके साथ नजर आते हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को यहां पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट करके एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण यहां पर बतलाया है।